8 दिसंबर यानी मंगलवार को किसानों के भारत बंद को व्यापारिक संगठनों का भी समर्थन मिला है। प्रदेश में भी कृषि उपज मंडियां भारत बंद के समर्थन में बंद रहेंगी। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने इस बंद की घोषणा की है। उधर मुहाना फल सब्जी मंडी भी किसान आंदोलन के समर्थन में बंद रहेगी। अध्यक्ष राहुल तंवर ने व्यापारियों के साथ बैठक कर बंद की घोषणा की। इसके साथ ही देश भर में ट्रकों का भी चक्का जाम रहेगा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रदेश संयोजक ने बताया कि देश भर में किसानों के समर्थन में चक्का जाम की घोषणा की गई है। किसानों का जबरदस्त आंदोलन, केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीन बिलों के विरोध में चल रहा है। आज 13वां दिन है और किसान अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं, पर अभी तक भी केंद्र सरकार ने कोई सकारात्मक रूप नहीं अपनाया है। इसको लेकर के भारत में पूरे में आज बंद का आह्वान किसान संघ द्वारा किया गया है। मैंने भी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के मेंबर होने के नाते जयपुर ट्रक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर चैम्बर प्रदेश अध्यक्ष गोपाल सिंह राठौर, मैंने घोषणा की है कि राजस्थान के सभी ट्रक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर कल पूरी तरह से भारत बंद में शामिल होंगे और जितनी भी बुकिंग है, डिलीवरी है, टोटल बंद रहेगी। राजस्थान के 7 लाख जो ट्रकें हैं वो पूरी एक तरह चक्का जाम रहेगी। किसानों के लिए जो काला कानून लाया जा रहा है उसके विरोध में कल 8 दिसंबर 2020 मंगलवार को हम सब्जी मंडी पूर्णतः बंद रखेंगे और इस बंद के दौरान पूरी तरीके से कामकाज ठप रहेगा और जो किसान हमारा अन्नदाता है